तो माय डियर स्टूडेंट, ये है बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। इस मॉडल पेपर, इस क्वेश्चन पेपर से आपको कई सारे हेल्प मिलेंगे। सबसे पहले आपको पता चल जाएगा कि जो थर्ड सेमेस्टर में आपका एजुकेशन का पेपर होने वाला है वो किस प्रकार का आएगा, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि ऐसे कौन कौन से इस मॉडल पेपर में क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं, अगर आप उनको तैयार करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, इनका उत्तर आपको तैयार करके जरूर जाना है। उत्तर कहाँ पर मिलेगा इन प्रश्नों को जो मैं आपको बताऊँगा, जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, वर्ष आपका द्वितीय है, सेमेस्टर आपका थर्ड है, वर्ष प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है, सब्जेक्ट आपका एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र है, ठीक है। और प्रश्न पत्र का नाम है फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स प्रस्पेक्टिव, ठीक है, प्रस्पेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। समय आपको 2 आवर्स यानी 2 घंटे का मिलेगा, 75 यानी 75 का पूर्णांक होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि भैया जो क्वेश्चन है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, खंड आ, खंड बा, खंड सा, यानी कि अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन, लघुत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। तो सबसे पहले खंड आ में आपको अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और अतिलघुत्तरीय प्रश्न का आंसर करने से पहले वहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। यहाँ पर यही लिखा होता है कि भैया आपको कितने क्वेश्चन करना है और उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, उसके लिए कितने नंबर आपको दिए जाएंगे, ये जानकारी लिखी होती है, इसको पढ़ लिया। फिर पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है वो भी अति लघुत्तरीय का है, शिक्षा क्या है। शिक्षा शास्त्र आप पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट उसका पेपर देने जा रहे हैं, तो शिक्षा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जितने भी लगभग क्वेश्चन आएंगे वो शिक्षा से जुड़े ही आएंगे, ठीक है। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा की परिभाषा दीजिए, शिक्षा का अर्थ लिखिए, इस तरह के विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी का आंसर मैंने महासंग्राम वीडियो में कवर कर रखा है। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कौन कौन से आपकी परीक्षा में इस बार आ सकते हैं, और ये वीडियो आप सभी के लिए 100% वर्किंग होगी, ठीक है। तो चलिए नोट करिए, इन सभी का उत्तर कहां पर मिलेगा उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से। दर्शन क्या है, जिसको फिलोसफी बोलते हैं, दर्शन भी आप लोगों को तैयार करना, क्योंकि ये प्रश्न पत्र का नाम ही है, ठीक है, एजुकेशन और फिलोसफी का नाम है क्वेश्चन पेपर में, तो इससे भी जुड़े क्वेश्चन आएंगे। दर्शन और शिक्षा दोनों में डिफरेंस, दोनों में संबंध, दोनों की परिभाषा आपको तैयार करना, जो कि एक रामबाण क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, ठीक है, दोनों को दोनों। अगला क्वेश्चन कि फिलोसफी और दर्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, तो इसको हम कहेंगे कि आप लोग थोड़ा जरूर तैयार करो। वो ऊपर वाले जो दोनों क्वेश्चन थे वो 100% वाले थे, ये वाला 70 यानी कि 70% उम्मीद है आने की, ठीक है, बस, ठीक है, तो नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि वेदांत, जिसको वेद बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में तैयार कर लेना है। वेद, पुराण, ग्रंथ, भगवत गीता, ये सब कॉमन क्वेश्चन होते हैं, इन सब पूछे जाएंगे, ठीक है। वेद, वेद के बारे में पूछा जाएगा, वेदांत जिसको बोलते हैं, और भगवत गीता क्या है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण क्वेश्चन है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब से सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई तब से प्रश्न लगातार आ रहा, इससे पहले भी जब ईयरली एग्जाम होते थे तब भी आता था, लेकिन सेमेस्टर की बात कर रहे हैं मेन मुद्दा, क्योंकि आपके पेपर जो सेमेस्टर ही होंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा, तो नोट कर लीजिए तुरंत के तुरंत, ठीक है, ये भी नोट करिए, ये भी नोट करिए, ठीक है। और इन सभी का प्रॉपर आंसर कहाँ मिलेगा उसकी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन पहले महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन आता बहुत कम है, तो इसको हम 60% उम्मीद मान के चलते कि आ सकता है बस, ठीक, और बाकी नहीं आ सकता, तो आपकी इच्छा है तैयार करें, अदरवाइज इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि निषेधात्मक शिक्षा क्या है। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत कम उम्मीद है आने की, कभी कदार आता है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको वो सारे क्वेश्चन बताएं जो आप लोगों की परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस बार आने के चांस हैं, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति और लौटो से आप क्या समझते हैं, या फिर आपका क्या अभिप्राय है, इग्नोर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कि प्रयोजनवाद क्या है, ये आप सभी के लिए 80% वर्किंग है, मतलब कि 80% क्वेश्चन है कि उम्मीद है कि आ सकता है, ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिए। जब हम हमारी वीडियो आप देखा करिए तो नोटबुक यानी कि एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठा करिए, जो जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको नोट करते चलिए, और इनका उत्तर कहाँ पर मिलेगा वो तो मैं आपको बता दूंगा, और उनका उत्तर तैयार कर लीजिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन जो मैं बताता हूँ वो लगभग 90% आपके क्वेश्चन फंसेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पक्का फंसते हैं, 100% वाले भी होते हैं, तो नोट कर लीजिए। जैसे कि ये क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन आपके शिक्षा शास्त्र में सिलेबस में ये क्वेश्चन, मतलब सिलेबस है उससे संबंधित है, और ये आपके शिक्षा शास्त्र के लिए तो महत्वपूर्ण है, साथ साथ में समाज शास्त्र अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएँ बताइए, ऐसे विभिन्न तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं समाजशास्त्र में भी और शिक्षा शास्त्र में भी, तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है।
तो नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरीके के करीब करीब कुछ यूनिवर्सिटी में 10 प्रश्न आते हैं अति लघु उत्तीर्ण, कुछ में आते हैं 5। तो इस यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ेंगे हम लघु उत्तीर्ण क्वेश्चन की ओर। और ये जो वीडियो है वो सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली और शिक्षा फाफ सब्जेक्ट है। प्रश्न पत्र का नाम मैंने ऊपर बताया था, वो है, तो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। खंडवा में आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे, और लघु उत्तरीय क्वेश्चन करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गए, इनको पढ़ लेना। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ा करिए, इससे आपको पता चल जाता है कि भैया कितने क्वेश्चन करना, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, ये आपको जरूरी होता पता चलते। काफ़ी स्टूडेंट तो पढ़ते ही नहीं और जितने भी प्रश्न दिए जाते हैं वो सभी का उत्तर दे देते हैं, ठीक है, और उनको नंबर तो उतने ही मिलेंगे जितने वो बोला है। जैसे कि कभी कभी स्टूडेंट करते क्या है कि वो क्वेश्चन करने बैठ गए, क्वेश्चन का आंसर करने बैठ गए और वो सभी प्रश्न का उत्तर देने लगे, तो पता चलता है लास्ट में उनके पास टाइम ही नहीं बचा। क्वेश्चन आपको 5 से 6 दिए जाते हैं, मतलब कि जैसे कि लघु उत्तरे है, लघु उत्तरे में आपको यहाँ पर करीब करीब मान लीजिए कि एग्जांपल के रूप में 8 प्रश्न देंगे, लेकिन उसमें बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन करने, तो आपको 5 ही का आंसर देना, 3 का नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पर लिखा कि 3 का दीजिए, 3 ही के नंबर आपको 5 ही के नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो जितने बोला उतना लिखिए, ये ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि दर्शन की शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो भैया प्रश्न पत्र का नाम है, तो सिंपल सी बात है, तैयार करना बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवद गीता के संदेश को संक्षेप में लिखिए, भगवद बातें बहुत अच्छे हर चीज़ के बारे में वर्णन किया गया, मनुष्य की छोटी छोटी बातों को लेकर या बड़ी बड़ी बातों को लेकर या हर चीज़ के बारे में भगवद गीता में बहुत चीज़ें बताई गई, बहुत सारे संदेश दिए गए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और रामबाण है, और तैयार जरूर करिएगा इसका उत्तर, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में सांस्कृतिक विविधता की विवेचना कीजिए। आज का जो भारत है इसमें कल्चर को लेकर बहुत सारे अलग अलग विधि विधान है, लोगों के अलग अलग सिस्टम है, तो उसके बारे में लिखना, ये भी आप सभी के लिए 80% महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, किन्हीं दो मौलिक अधिकारों पर प्रकाश डालिए। जो संविधान में यानी कि जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि संविधान है, उसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। देखिए, आप अगर देश में रहते हैं तो आपके पास कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है, ठीक है, और उन मौलिक अधिकार के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ये दोनों रामबाण क्वेश्चन है, चाहे आप जिसकी भी परीक्षा हो, चाहे राजनीति को, चाहे समाजशास्त्र की, चाहे शिक्षा शास्त्र की, इनको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है, और एक रामबाण क्वेश्चन 100% फंसने वाला क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ना, मौलिक कर्तव्य और ये मौलिक अधिकार, ये दोनों रामबाण क्वेश्चन, ये शिक्षा शास्त्र में तो आते हैं, समाजशास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में भी पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस में तो स्पेशल आते ही आते हैं, ठीक है, तो ये दोनों कॉमन क्वेश्चन हैं, इनको जरूर रट लीजिएगा, ठीक है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ठीक है, और रामबाण क्वेश्चन, फिर से बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका, यानी कि फाइनेंशियल के क्षेत्र में शिक्षा की क्या भूमिका। सिंपल से बताते हैं, अगर आप मान लीजिए कि पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप अपना जो कोई भी बिजनेस है उसको आगे इम्प्रूव नहीं कर सकते, या फिर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टेक्निकल नॉलेज हो या फिर स्किल हो तभी आप उसको बढ़ा सकते हैं। देखिए, शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होती है, अगर आप विकास करना चाह रहे हैं, फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग होना चाह रहे हैं, करोड़पति लखपति बनना चाह रहे हैं, तो अगर शिक्षा नहीं है तो आप नहीं बन सकते, ठीक है, बहुत रेयर केस में कम चांस होते हैं कि आप बन सकते हैं, वो बाय लक होता है, ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि फर बहुत लोग तो ऐसे अनपढ़ होते हैं, करोड़पति हैं, लखपति, लेकिन वो बहुत रेयर कम केस में होता है, ठीक है, लेकिन हर भाई शिक्षा नहीं है तो भाई वो जो करोड़पति लखपति बन जाते हैं कहीं ना कहीं बाद में वो शिक्षा वाले जो भी उनके एम्प्लॉय रहते हैं या फिर उनके पार्टनर रहते हैं उनसे सलाह लेते जरूर हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, ठीक है, तो ये ब्राह्मण क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ओके। एग्जांपल के रूप में जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि भैया मनुष्य के जीवन में भोजन की क्या भूमिका है, तो उसी तरह हर क्षेत्र में, चाहे वो जो भी क्षेत्र हो, उसमें शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है, तो वही आर्थिक विकास में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि जॉन डीवी का शैक्षिक दर्शन क्या है, ये क्वेश्चन बहुत कम आता तो मेरे अकॉर्डिंग इग्नोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा की क्या भूमिका, ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, 90% उम्मीद एक प्रश्न फंस सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। अब खंडसा में आ जाएंगे, जहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय यानी कि विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसमें पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई, भैया कितने क्वेश्चन करना, उसका आंसर कितने शब्दों में लिखना, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पहला प्रश्न पूछा गया दीर्घ उत्तरीय का कि स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए। स्वामी विवेकानंद जी ने
शिक्षा को लेकर कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में लिखना है, जो कि एक रामबाण क्वेश्चन है, 100% वाला है, नोट कर लीजिए इसको भी। और अगला भी हमारे देश के जो संविधान है हमारे देश का, उसको लिखने वाले उसके पिता श्री B.R. अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा में क्या योगदान दिया है उसके बारे में लिखना है। और बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान है B.R. अम्बेडकर जी का। और रामबाण क्वेश्चन है और हमेशा फंसता है, इस बार भी फंसेगा, नोट कर लीजिए कि जितना भी हो सके B.R. अम्बेडकर के बारे में आप रट के जाइएगा। मैं मोहर लगा के बोल दे रहा हूँ कि 100% वाला क्वेश्चन फंसेगा पक्का। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रूसो के अनुसार प्रकृतिवाद क्या। रूसो एक प्रमुख समाजशास्त्री और विद्वान हैं, ठीक है, और इन्होंने प्रकृतिवाद को किस प्रकार एक्सप्लेन किया या फिर किस प्रकार इन्होंने किस नज़रिए से देखा उसके बारे में लिखना है। और रूसो के बारे में एक आधा क्वेश्चन फंसेगा, अब कौन सा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन तो पक्का फंसेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोजनवादी दार्शनिक के रूप में जॉन डीवी का शैक्षिक दर्शन क्या है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए 70% उम्मीद है आने की, ठीक है, बस ओके। तो इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर, कुछ ऐसा ही आपको आपकी परीक्षा में मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। जो जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के माध्यम से क्वेश्चन बताए हैं उनको विशेष करके आपको तैयार करके जाना। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारा का सारा मॉडल पेपर सेम टू सेम ऐसा ही आ जाएगा, सारे क्वेश्चन यही आ जाएंगे, लेकिन इस मॉडल पेपर से जो जो क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए इस बार आने की संभावना है वो मैंने आपको बताया, उनको जरूर तैयार करके जाएँ। बाकी हमारी महासंग्राम वीडियोज़ आएंगी, PDFs आएंगी, उनको आप लोग देखिए, पढ़िए, तैयारी करिए। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेली व्हाट्सअप का लिंक दिया गया, उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वेबसाइट का भी लिंक है, उससे आप लोग विजिट करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और आपका अपना चैनल है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सक्सेस टू यू, ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।